दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक अधिकारी को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया है। हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से पूछताछ के बाद अफसर को छोड़ दिया गया है और 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। अफसर का नाम महमूद अख्तर है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रविंदर यादव के मुताबिक महमूद अख्तर पाकिस्तानी उच्चायुक्त के वीजा सेक्शन में काम करते थे और उनके पास से कथित तौर पर सीमा पर बीएसएफ की तैनाती से जुड़े दस्तावेज मिले थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों राजस्थान के निवासी हैं। पुलिस ने बताया है कि राजस्थान के नागौर के रहने वाले मौलाना रमजान और सुभाष जांगीर नाम के दो लोगों को रक्षा दस्तावेज चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने पूछताछ में पाकिस्तानी उच्चायुक्त में कार्यरत अख्तर का नाम लिया, जिसे वे सूचनाएं पहुंचाते थे। इसके बाद ही पुलिस ने बुधवार रात अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और तब पुलिस को पता चला कि वह ISI का एजेंट है। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पेरोल पर था। काफी दिनों से दूतावास में रहकर अपने काम को अंजाम दे रहा था। वहीं विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर इस आदेश से अवगत कराया है। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स सरहद पर गोलियां बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफसर देश की रक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां तो गनीमत रही कि पुलिस ने पाकिस्तान की इस चाल को पहले ही नाकाम कर दिया। देखते रहिए टीवी लाइव।